हेलो गाइस, हेलो गाइस। आप तो ये हमारा गार्डन आप पीछे देख रहे हो। तो आज मेरे को छुट्टी थी, तो आज गेमिंग से भी थोड़ी छुट्टी करके, तो घर वाले कह रहे थे थोड़ा घुमाने ले जाओ। तो पीछे आप देख ही रहे हो, मॉम है मेरे, तो डैड भी पीछे आ ही रहे हैं वीडियो में। तो हम चारों ने डिसाइड किया था आज एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा घूम के आते हैं। हाय गाइस, आज हम घूमने जा रहे हैं सारे गाइस। अब हम निकल गया घर से, जाने लगे पर्पल कारखाने के बाद कोई तो बोलना और क्या बोलना, पर्पल कारखाना आ गया गाइस। अब हम खानपुर चौक पे पहुंचने वाले हैं जस्ट 2 मिनट में। पहुंच गए हम चौक में, ये रहा खानपुर चौक। अभी हमने जो ग्याल वाले रोड पे टर्न किया, ये केटीएम का शोरूम है, हम यहाँ पे आ गए राइट साइड पे। गणपति स्टोर दिखाओ ना जी, राइट साइड। ये सबसे मशहूर नर्सरी पठानकोट की। ये हम पहुंच गए पंगोली चौक में गाइस। यहाँ से ये जुग्याल शुरू हो गया, रणजीत सागर डैम देखो कितना अच्छा है जुग्याल। गाइस ये रास्ता जाता है रणजीत सागर डैम को, तो अगर डैम कभी जाएंगे तो उसके लिए भी बनाएंगे, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है पहले। तो इसको बोलते हैं मिनी चंडीगढ़, और ये मतलब थोड़ा बहुत चंडीगढ़ से मेल खाता है, तो इसलिए इसको मिनी चंडीगढ़ भी बोलते हैं। जुग्याल को शहर के बाहर की जगह है, और बहुत ही कह लो कि शांति वाली जगह है, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर, और काफ़ी लोग आते हैं इसमें। 90% लोग यहाँ घूमने आते हैं, जितने दिख रहे हैं आगे मोस्टली घूमने आए हुए हैं या किसी काम से आए। और यहाँ पर ज़्यादातर सरकारी, जैसे लेफ्ट साइड पे आओ, ये नहर बन रही है नहीं। अभी जस्ट तैयार हो रही है, पीछे रखना। बताओ रावी निकलती है यहाँ से, रावी का पानी चैनल करेंगे यहाँ से। गाइस अभी हमने माधोपुर में एंड किया, आपको दिख रहा होगा।
फैक्ट्री क्यों जा रहा है? इंडस्ट्रियल रूट सेंटर पठानकोट। तो गाइस ये है इंडस्ट्रियल एरिया अंदर से, तो ये आप देख सकते हो रोड कितनी वेल मेंटेन्ड है। तो यहाँ पे मोस्टली लोग ड्राइविंग सीखने भी आ जाते हैं, अगर किसी को फोर व्हीलर टू व्हीलर सीखना है। और यहाँ पे अनसेट पे ग्राउंड है, यहाँ पे रनिंग भी करते हैं, क्रिकेट भी चलता है और ड्राइविंग भी लोग सीखते हैं। क्रिकेट वाला वो अंदर है ये सेट किया है ना। और ये लेफ्ट साइड पे मेरे कजन की स्कूटी खड़ी है, ये सेट किया है यहां पे। है बड़ा दिखते है सेट किया है ये क्या गेट लगा है इतने तरह का कि टाइगर नाल वाला प्लॉट मिल गया। ये लेफ्ट साइड पे ये मेरे कजन की फैक्ट्री है और राइट साइड पे ये रेजिडेंशियल एरिया है। बीच में पार्क भी बनाया हुआ है लेकिन इसलिए शायद मैं मेंटेनेंस करता नहीं तो खराब हो गया। रहने के लिए बहुत अच्छा एरिया, बहुत शांति वाला एरिया है। गाइस अभी हम घर पे वापस आ रहे हैं, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे घर पे। आगे मंडो आ रही है हम तो फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं। ये रहा हमारा घर, हमारे दो शिकारी भी हैं जो हमारे घर की सिक्योरिटी कर रहे हैं।